क्या आपको पता है कि बिस्किट्स में होल्स क्यों होते हैं? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है? तो हम लोग बिस्किट्स खाते हैं, उसमें से ज्यादातर में हम लोग ये नोटिस किए कि स्मॉल होल्स होते हैं। तो क्या इन होल्स का कोई पर्पस होता है या फिर रैंडमली डिजाइन के लिए होता है, जैसे कि ज्यादातर लोग मानते हैं। बट एक्चुअल बात यह है कि इनका भी एक स्पेसिफिक पर्पस है। बेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये होल्स। कई लोग सोचते हैं कि ये रैंडम डिजाइन्स है बिस्किट्स को फिजिकली अपीलिंग बनाने के लिए, बट ये इसका सोल पर्पस नहीं है। बेकिंग के दौरान हीट को एस्केप करना इज द मेन रीजन कि हम लोग बिस्किट्स में होल को देखते हैं। मतलब जब बेकिंग होता है उस टाइम जो गर्माहट सेकता है ये, उस गर्माहट को एस्केप कराने के लिए ये होल्स बनाए जाते हैं, ताकि गर्मी इनसे निकल पाए और बिस्किट्स मस्त अपने शेप में ही मेंटेन रहे, वो फट ना जाए हीट के मारे या फिर डी शेप ना हो जाए। इस होल से गर्मी निकलते रहता है, जगह तो बना हुआ है, तो वो नॉर्मल हीट पे रहता है एंड बिस्किट अच्छा बनता है, क्रिस्प बनता है और शेप में रहता है और टूटता नहीं है बिना मतलब का। क्योंकि जब टूटता है तो बहुत लॉस होता है कंपनी का। सिर्फ एक ही बिस्किट थोड़ा टूटता है तो, क्योंकि बंच में बनता है इतना सारा बिस्किट फैक्ट्री में, एंड अगर होल्स नहीं रहे तो वो फट 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 जाते हैं और कई लाखों किलोग्राम बिस्किट्स, करोड़ों का बिस्किट्स वैसे हो जाता है। इसलिए ज्यादातर बिस्किट्स में होल होते हैं ताकि वो क्रिस्प बने और शेप में मेंटेन रहे एंड हीट से कोई प्रॉब्लम नहीं हो बेकिंग के टाइम। ये सब चीजें जो है ये सब हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, खाते हैं बिस्किट मस्त, बट नोटिस कभी नहीं किए हैं कि होल्स क्यों होता है। यही सब चीजों को तो अपन निकालता है, हर कुछ का कुछ ना कुछ रीजन होता है। एंड बिस्किट में होल क्यों होते हैं? हीट को एस्केप करने के लिए, ताकि बिस्किट ठीक बने। This was really amazing. Do like, share and comment जरूर करना and चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।